जी अस्सलाम वालेकुम, होप फॉर यू ऑल आर फाइन एंड सेफ। इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रेटजी एंड HRM। तो बेसिकली आज हमारा जो चैप्टर है वो बेस कर रहा होगा कि हाउ टू डेवलप अ स्ट्रेटजी, मींस हाउ टू डेवलप अ प्लान ऑफ एक्शन, एंड देन वी डिस्कस HRM, मीनिंग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कि हम अपने ह्यूमन रिसोर्स को कैसे मैनेज करेंगे, उसे कैसे कंट्रोल करेंगे, उसे कैसे मॉनिटर करेंगे, उसकी परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन हम किस तरह कर रहे होते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास आ गया, दैट इज़ अ स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी बेसिकली क्या है? सेटिंग गोल्स एंड फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटजी। अब सेटिंग गोल्स क्या है? सेटिंग गोल्स इज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। जब भी आपने मैनेजमेंट करनी, सबसे पहले यू हैव टू सेट गोल। जैसे हमने शुरू लेक्चर में भी हमने एक बात डिस्कस की कि सबसे पहले आपने अपने गोल को सेट करना चाहिए। अब गोल्स क्या है? हमने कहा गोल आपके स्मार्ट होने चाहिए, मीन स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, अटेनेबल होने चाहिए, रेलिवेंट होने चाहिए और टाइम बाउंड होने चाहिए। सो एवरी बिजनेस नीड्स गोल्स एंड द प्रोग्राम फॉर गाइडिंग डिसीजन टू अचीव दोज गोल्स इज कॉल्ड स्ट्रेटजी। जब आप अपने गोल सेट कर लेते हैं तो उन गोल्स को अचीव करने के लिए आप एक स्ट्रेटजी डेवलप करते हैं। स्ट्रेटजी मीन आप अपना एक प्लान ऑफ एक्शन डेवलप करते हैं कि जिसके थ्रू आप अपने गोल्स को अचीव कर सकें। बेसिकली गोल्स क्या हैं? दैट आर द ऑब्जेक्टिव दैट अ बिजनेस होप्स एंड प्लान टू अचीव। गोल्स बेसिकली आपके वो ऑब्जेक्टिव होते हैं जिसको कंपनी अचीव करना चाहती है, और अपनी प्लान ऑफ एक्शन को इस तरह से बना के चलते हैं कि ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर सकें। फिर हमारे पास आता है टाइप ऑफ स्ट्रेटजी, जिसमें कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी है, बिजनेस स्ट्रेटजी है और फंक्शनल स्ट्रेटजी है। सबसे पहले आ गया हमारे पास कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। अब कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी क्या है? स्ट्रेटजी फॉर डिटरमाइनिंग द फर्म्स ओवरऑल एटीट्यूड टुवर्ड ग्रोथ एंड द वे इट विल मैनेज इट बिजनेस और प्रोडक्ट लाइन। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी बेसिकली आपकी ओवरऑल बिजनेस की स्ट्रेटजी आ जाती है, जिसमें आप फर्म्स को देखते हैं कि फर्म का एटीट्यूड टूवर्ड ग्रोथ किस तरह होगा, फर्म किस तरह अपनी ग्रोथ को अचीव करेगी और फर्म किस तरह अपने बिजनेस को मैनेज करेगी, अपनी प्रोडक्ट लाइन्स को मैनेज करेगी। देन हमारे पास आता है बिजनेस स्ट्रेटजी। बिजनेस स्ट्रेटजी क्या है? स्ट्रेटजी एट द बिजनेस यूनिट और द प्रोडक्ट लाइन लेवल फोकसिंग ऑन अ फर्म्स कंपेटिटिव पोजीशन। जो आपके बिजनेस स्ट्रेटजी है या जो आपकी कंपेटिटिव स्ट्रेटजी है, वो बेसिकली बताती है कि भाई हमने किस तरह कम्पीट करना है इन द मार्केट। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं सर्फ एक्सेल की, अब सर्फ एक्सेल कंपेटिटिव स्ट्रेटजी क्या है? वो क्या कहते हैं कि हमारी जो कपड़ों में सफाई है वो ज़्यादा आती है एज़ कम्पेयर टू अदर सर्फ दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या आ गई? बिजनेस और कंपेटिटिव स्ट्रेटजी। देन आता है हमारे पास फंक्शनल स्ट्रेटजी। अब फंक्शनल स्ट्रेटजी क्या है? स्ट्रेटजी बाय विच मैनेजर इन स्पेसिफिक एरिया डिसाइड्स हाउ बेस्ट टू अचीव कॉर्पोरेट गोल्स थ्रू प्रोडक्टिविटी। अब यहाँ पे क्या आ गई? आपका बेसिक लेवल पे स्ट्रेटजी आ गई कि जो फंक्शनल मैनेजर्स हैं वो फोकस कर रहे होते हैं कि हमने स्पेसिफिक एरियाज में किस तरह काम करना है ताकि हम ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकें। क्योंकि जब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी मीन्स अपनी ऑर्गेनाइजेशन जो अपने गोल्स को अचीव कर रही होगी। देन आता है कि आप अपने गोल्स को सेट कैसे करते हैं। गोल्स आर परफॉर्मेंस टारगेट्स। गोल्स क्या हैं? आपके परफॉर्मेंस टारगेट्स हैं कि आप अपने परफॉर्मेंस टारगेट फिक्स करते हैं और आप देखते हैं कि हमने किस तरह इनको अचीव करना है। द मीन बाय विच ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर मैनेजर्स मेजर सक्सेस और फेलियर एट एवरी लेवल। अब गोल सेट करने का मकसद क्या है कि यहाँ पे आप डिटरमाइन करते हैं कि क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सक्सेसफुल है या फेलियर की तरफ जा रही है। देन पर्पसेस ऑफ गोल सेटिंग। गोल सेट करने का पर्पस क्या है? पहला, इट्स प्रोवाइड डायरेक्शन एंड गाइडेंस फॉर द मैनेजर टू हेल्प फर्म्स एलोकेट रिसोर्सेज, टू हेल्प डिफाइन कॉर्पोरेट कल्चर, टू हेल्प मैनेजर्स टू असेस परफॉर्मेंस। तो बेसिकली क्या पर्पस है कि गोल आपको एक गाइडलाइन दे रहे होते हैं, आपको डायरेक्शन दे रहे होते हैं, गोल्स आपको बता रहे होते हैं कि फर्म ने किस तरह अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करना है, गोल्स आपको बता रहे होते हैं कि आप अपने कल्चर को डिफाइन कर रहे होते हैं कि ओवरऑल आपके बिलीफ सिस्टम या कल्चर क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन का, एंड गोल्स आपको बता रहे होते हैं कि हमने अपनी परफॉर्मेंस को किस तरह असेस करना है, अपनी परफॉर्मेंस को किस तरह डिटरमाइन करना है। तो ये क्या हो गया? आप जब गोल सेट कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास क्या पर्पस है और गोल सेट क्यों किए जा रहे होते हैं। देन देयर आर थ्री काइंड ऑफ गोल्स एवरी फर्म आर। बेसिकली थ्री काइंड ऑफ गोल्स होते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, इंटरमीडिएट गोल्स हैं एंड शॉर्ट टर्म गोल्स हैं। सबसे पहले आ गया आपके पास लॉन्ग टर्म गोल्स। अब लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं?
goals set for an extended period, typically for 5 years or more into the future. अब लॉन्ग टर्म जो गोल होंगे वो 5 साल से ज़्यादा होंगे और जो हमारे फ्यूचर को डिसाइड कर रहे होंगे, हमारे मुस्तकबिल को डिसाइड कर रहे होंगे फर्म्स की. जो इंटरमीडिएट गोल्स आ जाते हैं, गोल सेट फॉर अ पीरियड ऑफ 1 to 5 years into the future. अब ये गोल्स हैं आपके 1 से 5 साल के दरमियान में. शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, गोल सेट फॉर अ वेरी नियर फ्यूचर, टिपिकली लेस देन 1 ईयर. ये क्या है, 1 साल से कम के लिए हैं. फिर आती है आपके पास मिशन स्टेटमेंट, ऑर्गेनाइजेशन स्टेटमेंट ऑफ हाउ इट विल अचीव इट पर्पस इन द एनवायरनमेंट इन विच इट कंडक्ट इट्स बिजनेस. अब बेसिकली मिशन क्या है वो बताता है, वो बताता है आपके ऑर्गेनाइजेशन को, पर्पस को, कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस को किस तरह अचीव करेंगे और अपने बिजनेस को किस तरह कंडक्ट करेंगे. एज वी डिस्कस अबाउट द मिशन स्टेटमेंट, तो बेसिकली मिशन स्टेटमेंट क्या है, आपके पर्पस को बताती है कि जो कि एक बिजनेस जो है वो अचीव करना चाहता है ताकि वो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ ले सके, अपने रेवेन्यू को इंक्रीज कर सके. देन हमारे पास आता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बेसिकली क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अ सेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज डायरेक्टेड एट अट्रैक्टिंग, डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग एन इफेक्टिव वर्कफोर्स. तो ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज जिसमें आप अट्रैक्ट करते हैं, डेवलप करते हैं और मेंटेन करते हैं. बेसिकली सबसे पहले आप क्या करेंगे, एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट करेंगे ताकि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें. आफ्टर अप्लाइंग आप उनको डेवलप करेंगे. डेवलप कैसे करेंगे, उनको ट्रेन करेंगे, उनको स्किलफुल करेंगे ताकि वो ज़्यादा बेटरली परफॉर्म करेंगे. और देन यू मेंटेन योर वर्कफोर्स ताकि वो आपके साथ स्टिक रहे और आपके साथ लॉयल रहे फॉर अफेक्टिंग वर्कफोर्स. फिर आता है आपके पास स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है आपके HRM की. बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स आर क्रिटिकल फॉर अफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शनिंग, क्योंकि HR एक जरूरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर अफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शनिंग. अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शंस को इम्प्रूव करना है तो वहाँ पे HR इंपॉर्टेंट है. देन अफेक्टिवनेस ऑफ द HR फंक्शन हैज सब्सटेंशियल इम्पैक्ट ऑन फर्म बॉटम लाइन परफॉर्मेंस. फिर आपके पास जो फर्म की परफॉर्मेंस जो है वो बेस करी है किसके ऊपर, आपके ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर. देन द चीफ ह्यूमन रिसोर्स एग्जीक्यूटिव ऑफ मोस्ट लार्ज बिजनेस इज अ वाइस प्रेसिडेंट डायरेक्टली अकाउंटेबल टू द CEO एंड मैनी फर्म्स डेवलप स्ट्रेटजी एचआर प्लान दैट आर इंटीग्रेटेड विद अदर स्ट्रेटजिक प्लानिंग एक्टिविटीज. तो इसी तरह जैसे बाकी स्ट्रेटजिक हम प्लानिंग कर रहे होते हैं अबाउट योर मार्केटिंग, अबाउट योर फाइनेंस, तो इसी तरह हम HR की भी स्ट्रेटजिक प्लानिंग कर रहे होते हैं. हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे होते हैं कि इन लॉन्ग टर्म हमने देखना होता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कितनी वर्कफोर्स रिक्वायर्ड होगी और वो किस तरह फ्रूटफुल होगी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. फिर आता है कि हमारे पास क्या स्कोप है ऑफ HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का स्कोप क्या है. सबसे पहले टू लोकेट एंड टाइप ऑफ पीपल रिक्वायर्ड. सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमें किस टाइप का, यानी किस टाइप की हमें स्किल रिक्वायर्ड है उसका हम उसको लोकेट करेंगे, उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे. देन व्हेन रिक्वायर्ड, कब हमें उसकी ज़रूरत होगी. देन हाउ मैनी रिक्वायर्ड, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हमें रिक्वायर्ड होंगे फॉर वर्किंग. देन वी डू अ जॉब एनालिसिस. फिर हम जॉब एनालिसिस करते हैं कि हमारी जो स्पेसिफिक जॉब है उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, क्या रिक्वायरमेंट है. फिर हम सिलेक्शन के प्रोसेस में जाएंगे जहाँ पे हम उस एम्प्लॉय को सिलेक्ट करेंगे, उस एम्प्लॉय को हायर करेंगे. आफ्टर सिलेक्टिंग हम फिर क्या करेंगे, ट्रेनिंग की तरफ जाएंगे जहाँ हम उसको ट्रेंड करेंगे, उसको स्किलफुल करेंगे. फिर आपके पास उसका अप्रेजल सिस्टम आ जाता है जहाँ पे आप उसको फ्रिंज एंड बेनिफिट्स देंगे. देन योर कंपनसेशन आ जाता है कि जहाँ पे आप उसको एक हैंडसम अमाउंट देंगे ताकि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ स्टिक रहे. देन योर हेल्थ एंड सेफ्टी आ जाता है कि आप उसको हाउ यू फैसिलिटेट योर एम्प्लॉय रिगार्डिंग हेल्थ एंड सेफ्टी. एंड देन लेबर यूनियन एरियाज आ जाते हैं कि जो लेबर यूनियंस हैं आपके विदिन द ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ आप कैसे रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड कर रहे हैं. देन अगर हम देखते हैं दैट इज़ मेज़लो हायरार्की ऑफ नीड. अगर एज ए ह्यूमन बींग, एज ए इंडिविजुअल, एज ए एम्प्लॉय आपकी ये एक नीड रिक्वायरमेंट है. जैसे जैसे वो नीड फुलफिलमेंट होती है आप नेक्स्ट नीड की तरफ मूवमेंट करते हैं. तो इसमें आपके पास बेसिकली 5 नीड्स आ जाती हैं. इसमें सबसे पहले जो आ जाती है दैट इज़ अ फिजियोलॉजिकल नीड, जो आपकी बेसिक नीड है. फिजियोलॉजिकल नीड क्या, फूड, वाटर, वार्मथ एंड रेस्ट. आपकी बेसिक नीड है ना रोटी और कपड़ा, रोटी और पानी. अगर आपको खाना नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, यू कैन नॉट लिव. इसलिए आपको पहले, सबसे पहले कोई भी इंसान है वो पहले अपनी फिजियोलॉजिकल नीड्स को फुलफिल करता है. जैसे ही उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स फुलफिल होती है वो मूव करता है टुवर्ड्स सेफ्टी नीड. आफ्टर फिजियोलॉजिकल नीड्स आप मूव करेंगे टुवर्ड्स सेफ्टी नीड्स. आपको क्या, ठीक है खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, अब आप देखेंगे कि मैं अपने आप को सेफ कैसे रख सकता हूँ, मैं अपने आप को सिक्योर कैसे रख सकता हूँ. तो वो आप क्या करेंगे, सेफ्टी नीड्स की तरफ जाएंगे.
फिर आफ्टर सेफ्टी नीड यू मूव टूवर्ड्स बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स। फिर आपका आपके नेक्स्ट क्या आ जाएगा कि आपने जब आपकी नीड्स फुलफिल हो जाएगी, जिसको हम साइकोलॉजिकल नीड्स भी कहते हैं, साइकोलॉजिकल नीड बेसिकली आपकी क्या है कि आप किस तरह अपने रिलेशनशिप को बिल्ड करेंगे। आप कहेंगे कि मेरे रिलेशनशिप बिल्ड होने हैं, यू शुड हैव अ फ्रेंड्स एंड फैमिली, ताकि आप एक अपना बिलोंगिंगनेस की तरफ जा सकें। फिर आता है आपके पास एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स में आपके पास क्या आता है, प्रेस्टीजियस एंड फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट। यहाँ पे आप कहते हैं कि मैं ये लोग सेकंड करें कि मैंने कोई चीज़ अकम्पलिश की है, कोई चीज़ मैंने कम्प्लीट की है। एंड देन यू मूव टूवर्ड्स सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। फिर आप मूव करते हैं टूवर्ड्स सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मीन्स अचीविंग वन फुल पोटेंशियल इंक्लूडिंग क्रिएटिव एक्टिविटीज। अब मीन्स कहते हैं, आप कहते हैं कि मैं इस तरह का काम करूँ कि रहती दुनिया तक लोग मुझे याद रखें। तो ये क्या है, ये आपका लैडर ऑफ नीड्स है जो अकॉर्डिंग टू मेस्लो हायरार्की आती है। उसने कहा सबसे पहले इंसान फोकस करता है अपने फिजियोलॉजिकल नीड्स, बेसिक नीड्स में, फिर सेफ्टी नीड्स की तरफ जाता है, फिर वो बिलोंगिंगनेस की तरफ जाता है, फिर वो सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जाता है। देन मैकग्रेगर ने थ्योरी पेश की अबाउट थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। अब उसने कहा कि मैनेजर जो है वो दो या थ्योरी एक्स के ऊपर फॉलो कर रहे होते हैं या वो थ्योरी वाई के ऊपर फॉलो कर रहे हैं। उसमें जो चीज़ें हम देखते हैं, एटीट्यूड देखते हैं मैनेजर का, डायरेक्शन देखते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हैं, मोटिवेशन देखते हैं और क्रिएटिविटी देखते हैं। तो सबसे पहले एटीट्यूड अगर देखते हैं, जो थ्योरी एक्स टाइप के मैनेजर होते हैं वो क्या होंगे, डिसलाइक वर्क, फाइंड इट बोरिंग एंड विल अवॉइड इफ वी कैन। वो क्या कहते हैं, यार काम बड़ा बोर है यार, दिल नहीं कर रहा काम करने को। वो इस तरह के जो लोग हैं वो थ्योरी एक्स में आते हैं। जो थ्योरी वाई में आएंगे, दे नीड टू वर्क, वॉन्ट टू टेक एन इंटरेस्ट एंड वी कैन एंजॉय इट। वो क्या करेंगे, उस काम को इंजॉय करेंगे और उस काम को इंटरेस्ट लेके करेंगे। जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं, मस्ट बी फोर्स और कोर्स इन टू कम्प्लाइंस। अब यहाँ पे जो थ्योरी एक्स वाले मैनेजर हैं उनको ज़बरदस्ती काम करवाया जा रहा होगा, जबकि थ्योरी वाई के जो पर्सन हैं वो क्या हो गए, डायरेक्ट आवर सेल्फ टूवर्ड्स एंड एक्सेप्टेड टारगेट। वो खुद से उन टारगेट्स को अचीव करने की कोशिश कर रहे होंगे। फिर आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, नीड टू बी डायरेक्टेड एंड अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब वही थ्योरी एक्स वाले मैनेजर्स क्या होंगे, इसको आपको डायरेक्ट करना पड़ेगा, इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, तब वो जाके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। जबकि थ्योरी वाई वाले मैनेजर हैं वो खुद से चीज़ों को रिस्पॉन्सिबल वे में कंडक्ट करेंगे। फिर आता है आपके पास मोटिवेशन, दैट इज मोटिवेटेड बाय फियर, लैक ऑफ मनी एंड लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी। ये मोटिवेटेड किससे होते हैं कि जब उनको डराया जाए आपकी जॉब खतरे में है, आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपकी जॉब सिक्योरिटी, तब वो ज़्यादा मोटिवेट होकर काम कर रहे होंगे। वेयर एज मोटिवेटेड बाय द डिजायर ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट एंड टू कंट्रीब्यूट टू द वर्ल्ड। अब ये क्या है, खुद से अपने आप को डेवलप कर रहे होंगे और कंट्रीब्यूट करेंगे कि मैं अपने काम से कंट्रीब्यूट कर सकूँ इस वर्ल्ड में और इसको डेवलप कर सकूँ। देन आता है आपके पास क्रिएटिविटी। जो थ्योरी एक्स वाले मैनेजर्स हैं, दे आर लेस क्रिएटिव एंड एक्सेप्ट व्हेन गेटिंग अराउंड रूल्स, और रूल्स के मुताबिक चलते हैं। वेयर एज जो थ्योरी वाई के मैनेजर्स हैं, दे आर हाईली क्रिएटिव एंड व्हेन यू गिव रिकग्निशन एंड अपॉर्चुनिटी। जब आप उनको रिकग्नाइज करते हैं उनकी एफर्ट को, उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव बनते हैं। तो ये हम जब कंपेरिजन कर रहे होते हैं बिटवीन थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई मैनेजर्स। फिर इसी तरह हर्ज़बर्ग ने टू फैक्टर थ्योरी दी, जिसमें आपके पास की पॉइंट सेटिस्फैक्शन डिससेटिस्फैक्शन आर नॉट अपोजिट बट सेपरेट कंस्ट्रक्ट। उसने कहा सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन कोई अपोजिट चाहिए वो एक बल्कि एक डिफरेंट दो कंस्ट्रक्ट हैं, जिसमें आपके पास दो चीज़ें, एक हाइजीन फैक्टर्स हैं और एक आपके मोटिवेटर्स हैं। हाइजीन फैक्टर्स में आपके पास एक्सट्रिंसिक एंड रिलेटेड टू डिससेटिस्फैक्शन फैक्टर्स आ जाते हैं, जिसमें आपके वर्क कंडीशन है, सैलरी है, कंपनी पॉलिसीज है। फिर मोटिवेटर्स में आपके पास इंट्रिंसिक एंड रिलेटेड टू सेटिस्फैक्शन लाइक अचीवमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ग्रोथ है। जी जैसे हम बात कर रहे थे हर्ज़बर्ग की टू फैक्टर थ्योरी की, तो उसने बेसिकली उसने कहा कि आपके एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स हैं, एक इंट्रिंसिक फैक्टर। एक्सट्रिंसिक मींस अगर आपको वर्क कंडीशन अच्छी नहीं मिल रही, आपको सैलरी पैकेज अच्छा नहीं मिल रहा, कंपनीज की पॉलिसीज अच्छी नहीं है, फेवरेबल नहीं है टूवर्ड्स एम्प्लॉय, तो क्या होगा, आप डिससेटिस्फाइड होना शुरू हो जाएंगे। ऑन द अदर हैंड कुछ मोटिवेटर्स हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर्स हैं आपके इंटरनली। अगर आपको अचीवमेंट, सेंस ऑफ अचीवमेंट मिल रही है कि यार ये प्रोजेक्ट मैंने किया है या ये मैंने टास्क कंप्लीट किया, दैट इज़ बिकॉज ऑफ मी। अब ये क्या है, आपके पास सेंस ऑफ अचीवमेंट है। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिले तब है। देन ग्रोथ है, अगर आपकी ग्रोथ हो रही है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, आपको कैरियर में आपको नज़र आ गया, फर्दर ग्रोथ नज़र आ रही है, तो वो तमाम के तमाम आपके मोटिवेटर्स हैं। देन आता है कि आपके पास मोटिवेशन बाय जॉब डिज़ाइन। अब मोटिवेशन आपको किस तरह हो कि आपकी जॉब को इस तरह से डिज़ाइन किया जाए कि जो आपको मोटिवेट कर रही हो। फॉर एग्जांपल जॉब करेक्टरिस्टिक्स मॉडल, JCM मॉडल है बाय हैकमैन एंड ओल्डमैन का, कंसेप्ट दैट एनी जॉब कैन बी डिस्क्राइब थ्रू 5 कोर जॉब डायमेंशंस। कोई भी जॉब है, कोई भी टास्क है, उसको हम 5 कोर जॉब डायमेंशन से हम डिटरमाइन कर सकते हैं, जिसमें स्किल वराइटी है,
टास्क आइडेंटिटी है, टास्क सिग्निफिकेंस है, ऑटोनॉमी है, फीडबैक है। सबसे पहले आ गया आपके पास स्किल वैरायटी, रिक्वायरमेंट फॉर डिफरेंट टास्क इन द जॉब। अब आपको कितनी जो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है फॉर डूइंग दैट जॉब, फॉर डूइंग दैट वर्क, तो आपके पास स्किल वैरायटी है। टास्क आइडेंटिटी है कि जो आप काम कर रहे हैं उसको आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकें, एज ए टास्क उसको आइडेंटिफाई कर सकें। फिर उस टास्क की क्या इंपॉर्टेंस है, दैट इज टास्क सिग्निफिकेंस। देन ऑटोनॉमी, लेवल ऑफ डिस्क्रिशन इन डिसीजन मेकिंग, कि आपको जो डिसीजन मेकिंग में कितनी आज़ादी हासिल है, कितनी डिस्क्रिशन है वो आपके पास। देन फीडबैक, अमाउंट ऑफ डायरेक्शन, फीडबैक क्या गया आपके पास, अमाउंट ऑफ डायरेक्शन एंड क्लियर इंफॉर्मेशन ऑफ परफॉर्मेंस, आपके एक क्लियर आपको इन्फॉर्म किया जाए अबाउट योर डायरेक्शन, तो वो आपको अबाउट योर फीडबैक कि आपने किस तरह का परफॉर्म किया, तो इससे भी आप मोटिवेट होते हैं फॉर योर जॉब। द वे एलिमेंट इन अ जॉब आर ऑर्गेनाइज, जॉब डिज़ाइन इम्पैक्ट मोटिवेशन, सेटिस्फेक्शन एंड परफॉर्मेंस। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इम्पैक्ट कर रही होती हैं आपकी मोटिवेशन के ऊपर, सेटिस्फेक्शन के ऊपर और परफॉर्मेंस के ऊपर। देन आपके पास हम जॉब को रीडिज़ाइन कैसे कर सकते हैं, जॉब रोटेशन के थ्रू, जॉब इनलार्जमेंट के थ्रू और जॉब इनरिचमेंट के थ्रू। अब जॉब रोटेशन क्या है, द पीरियोडिक शिफ्टिंग ऑफ अ वर्कर फ्रॉम वन टास्क टू अनदर। फॉर एग्जांपल, अगर आप आफ्टर बीबीए, इंशाल्लाह आप लोग बीबीए और एमबीए के बाद आप लोग एमटीओ हायर होते हैं, मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर होते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको जॉब रोटेट किया जाता है। एक दिन वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में होगा, अगले दिन प्रोडक्शन में होगा, उसके अगले दिन ऑपरेशन में होगा, फिर एचआर। अब वो डिफरेंट डिपार्टमेंट को क्यों रोटेट किया जाए, ताकि उसको उस टास्क की समझ आ सके। फिर आता है आपके पास जॉब इनलार्जमेंट, जिसको हम हॉरिजेंटल एक्सपेंशन ऑफ जॉब कहते हैं। हॉरिजेंटल एक्सपेंशन में क्या हो गया कि आपको, फॉर एग्जाम्पल आप डायरेक्टर एडमिशन थे और साथ ही आपको डायरेक्टर स्कॉलरशिप भी दे दिया गया, अब आप डायरेक्टर लेवल पे ही आपकी जॉब को इनलार्ज कर दिया गया। जॉब इनरिचमेंट में क्या आता है, वर्टिकल एक्सपेंशन आती है। वर्टिकल एक्सपेंशन क्या है कि आप थे डिप्टी डायरेक्टर, आपका डायरेक्टर फारिग हुआ तो आपको एडिशनल चार्ज मिल गया डायरेक्टरशिप का, तो वो क्या आ गया, जॉब इनरिचमेंट। तो हम इसके थ्रू भी अपनी जॉब को रीडिज़ाइन करते हैं। फिर अल्टरनेटिव वर्क अरेंजमेंट्स क्या है, दैट इज अ फ्लेक्स टाइम एंड जॉब शेयरिंग। फ्लेक्स टाइम क्या है, बेसिकली एम्प्लॉयज वर्क ड्यूरिंग अ कॉमन कोर टाइम पीरियड ईच डे बट हैव डिस्क्रिशन इनफॉर्मिंग देयर टोटल वर्क डे फ्रॉम फ्लेक्सिबल सेट ऑफ आवर्स आउटसाइड द कोर। अब यहाँ पे क्या हुआ कि आपने एम्प्लॉय के डिस्क्रिशन पे छोड़ दिया कि वो एक फ्लेक्सिबल टाइमिंग रख सकता है, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर अपने लिए सेट कर सके, जिसके मुताबिक वो अपने टास्क को कंप्लीट कर सके। जॉब शेयरिंग विद द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग टू मोर पीपल सेपरेट अ 40 आवर वर्क आर अ वीक जॉब। अब यहाँ पे क्या हो गया, आपने सेपरेट कर लिया, दो एम्प्लॉयज हैं वो आपस में सेपरेट कर सकते हैं कि 40 आवर्स का काम है तो एक 20 आवर्स का लिया और फिर दूसरा 20 आवर्स का। क्या आ गया, जॉब शेयरिंग आ गया, जहाँ पे आप जॉब शेयरिंग के कंसेप्ट में आ जाता है। देन आता है आपके पास अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है, अ सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, एनालाइजिंग, समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग द इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ मनी। अब यहाँ पे अकाउंटिंग में क्या आता है कि आप रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, क्लासीफाई कर रहे होते हैं कि जी जो एक्सपेंस आ रहे हैं उसको किस मद में डालना है, एनालाइज कर रहे होते हैं, उसकी एक पूरी एक समरी बना रहे होते हैं, फिर उसको आप एक रिपोर्ट कर रहे होते हैं उस पूरी इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन को। देन इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन, बेसिकली एवरी इन्फॉर्मेशन इज अ इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन वेयर मॉनिटरी एक्सचेंज टेक प्लेस। वो तमाम इन्फॉर्मेशन जहाँ पे पैसे का लेन देन हो रहा है, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश हो रहा है, तो वो आपकी इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन है। फिर जनरल क्या होते हैं, इन अ बुक ऑफ अकाउंट्स, अ बुक इन विच ऑल इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन ऑफ जनरल नेचर इज रिकॉर्डेड। लेजर्स क्या होते हैं, इट इज अ बुक ऑल इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन रिकॉर्डिंग कैटेगरी वाइज। जनरल में हम जस्ट डाल देते हैं, लेजर्स में हम उसको, जब आप आगे अकाउंटिंग में जाएंगे तो आप सबसे पहले ये देखेंगे कि पहले आप जनरल एंट्रीज कैसे करते हैं, ठीक है, कि डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, फिर आप लेजर्स बनाते हैं, फिर आप उस एक हेड के अंदर देखते हैं कि कितना डेबिट और क्रेडिट हो रहा है। बैलेंस शीट्स की आ जाती है, आल्सो नोन एज अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इज अ काइंड ऑफ स्नैपशॉट ऑफ अ वेयर अ कंपनी इज फाइनेंशियली स्पीकिंग एट वन मोमेंट इन अ टाइम। बैलेंस शीट बेसिकली आपके बता रही होती है, एक स्नैपशॉट होता है कि जो कि आपको पूरी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता रही होती है कि ऑर्गेनाइजेशन इस टाइम कहाँ पे स्टैंड कर रही है। तो बैलेंस शीट बेसिकली इंक्लूड्स करती है ऑल द एलिमेंट्स इन द अकाउंटिंग इक्वेशंस, means showing the balance between assets and liabilities and owner equity. Every company prepare balance sheet at place once a year, more often at the end of calendar year. ठीक है, basically हम साल में एक दफ़ा बनाते हैं जिसमें हम दिखाते हैं कि हमारी liabilities कितनी हैं, हमारे assets कितने हैं और हमारे owner equity कितनी है। जब हम balance sheet की बात करेंगे तो हमेशा क्या होता है कि आपके assets जो हैं वो equal होते हैं liability plus owner equity। फिर आता है आपके पास इनकम स्टेटमेंट। बेसिकली इनकम स्टेटमेंट क्या है, इट्स अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट
listing a firm's annual revenues and expenses so that bottom line shows annual profit or loss. Basically income statement क्या है जो आपके profit or loss को show करती है. The balance sheet is a snapshot, then income statement is a movie. Revenue basically क्या है, funds that flow into the business from the sales of goods. जैसे revenue क्या है कि जो आप चीज बेच रहे हैं उससे जो आपको पैसा generate हो रहा है वो revenue है. Cost of goods sold क्या है, the total cost of obtaining material for making the product sold by a firm during. तो आपको उस चीज़ को बनाने में जितनी कॉस्ट लग रही है वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है. जब हम रेवेन्यूज में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आता है. उसमें से जब हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस कर देते हैं माइनस कर देते हैं तो उसके बाद हमारे पास ऑपरेटिंग इनकम आता है, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस. और नेट इनकम जो है वो आपके पास जाता है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड इनकम ऑफ टैक्सेस निकालने के बाद हमारे पास नेट इनकम आती है, जो कि आपको एक पूरी शीट बैलेंस बता रहा होता है. तो हमारे पास यहाँ पे आज हमने जो इस लेक्चर में डिस्कस किया, सबसे पहले हमने तीन चीज़ें हमने इसमें डिस्कस की. हमने पहले स्ट्रेटजी को डिस्कस किया कि स्ट्रेटजी क्या है, हमारे गोल्स क्या हैं, स्ट्रेटजी किस तरह की हो सकती हैं, लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, इंटरमीडिएट स्ट्रेटजीज हैं. फिर हमने डिस्कस किया कि हमारे गोल्स हैं, उन गोल्स का पर्पज़ क्या है और हम गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हैं. फिर हमने डिस्कस किया अबाउट HRM के HRM क्या है, HRM का पर्पस क्या है. फिर इसमें हमने मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड को पढ़ा, हर्ट्ज़बर्ग थ्योरी को पढ़ा, थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई को देखा. फिर हमने देखा कि उसमें टास्क सिग्निफिकेंस, टास्क आइडेंटिटी का क्या रोल है. फिर हमने देखा कि हम जॉब को किस तरह इनरिच कर सकते हैं बाय जॉब रोटेशन, जॉब शेयरिंग, जॉब इनलार्जमेंट, जॉब इनरिचमेंट के थ्रू. और फिर एट द एंड हमने जस्ट माइनर से देखा कि बैलेंस शीट क्या होती है, अकाउंटिंग क्या है और हमारे पास इनकम स्टेटमेंट क्या है. तो बेसिकली जब आप आगे इंशाल्लाह जब नेक्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे तो आप इसको डिटेल में करेंगे. थैंक यू फॉर योर लिसनिंग.